हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल एकेएफटी कोर्स। आज हम क्लास टेंथ का चैप्टर थ्री पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर टोटल 8 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पार्ट 2 है जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को कवर कर रहा हूँ। टोटल 4 पार्ट्स बना है, यानी 4 वीडियोज बना है, ठीक है। जिसमें एक वीडियो में केवल 2 ही क्वेश्चन को कवर किया गया, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 8 क्वेश्चन है तो 4 वीडियो बनेगा, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 के फॉर्म में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वापस क्लिक करके सभी पार्ट्स को देख सकते हैं। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार रीड कर लेते हैं, मेन हेडिंग को, उसके बाद थर्ड और फोर्थ को सोल्व करेंगे। बोल रहा है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कुल मिला के कह रहा है कि जो आपको पेयर ऑफ इक्वेशन दिया है, ठीक है, इसको रिड्यूस करके एक सिंपल पेयर ऑफ इक्वेशन बनाइए, ठीक है। इसको थोड़ा रिड्यूस करना है, ठीक है, इसको भी रिड्यूस करना है, सिंपल पेयर ऑफ इक्वेशन बनाना है, ठीक है, बिल्कुल बढ़ाएंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपको एक्स और वाई की वैल्यू कुल मिला के ला रहा है, ठीक है। वैल्यू ऑफ एक्स क्या, वैल्यू ऑफ वाई क्या, वो आपको बता रहा है, ठीक है। पहले थर्ड नंबर को सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके बाद फोर्थ को। देखिए जो y है वो तो सिंपल है, ठीक है ना, आपको देख रहा है, ठीक है ना, y मल्टीपल में है। लेकिन जो x है ये क्या है, डिनोमिनेटर में है। इसको हम अगर चाहे, ठीक है ना, तो थोड़ा इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, व्हाट अपॉन x इक्वल, इसको लेट कर लेते हैं ना, लेट व्हाट अपॉन x इक्वल टू कोई सा भी ले सकते हैं u, ठीक है ना। अगर हम व्हाट अपॉन x को, ठीक है ना, u के फॉर्म में लिख दे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास 4u हो जाएगा, ठीक है ना, एक सिंपल हो जाएगा। देखिए कैसे, अब यहाँ पास क्या है, 4 अपॉन में x है, तो वर्ड अपॉन x का क्या ले लिया, u ले लिया, तो यहाँ पास क्या बचा, 4u बचा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को देखे होंगे तो आपको इतना तो पता ही होगा कैसे 4u हो, ठीक है, 4e2। अब u के यहाँ पे वर्ड अपॉन x होगा, होगा कि नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो 4 अपॉन में x हो जाएगा, बात वही हो जाएगी, ठीक। प्लस 3y, वाई को नहीं छेड़छाड़ करते हैं, ठीक है ना, बस हम एक्स को छेड़छाड़ करते हैं, इक्वल टू 4, ठीक। ये आपका इक्वेशन वर्ड हो गया, सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें भी अब क्या करते हैं कि वर्ड अपॉन एक्स, ठीक है ना भाई, अप्लाई तो हो रहा है, तो ये पूरे के लिए अप्लाई हो रहा है ना, वर्ड अपॉन एक्स, मतलब दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए अप्लाई हो रहा है ना ये, तो यहाँ पास क्या जाएगा, 3 वर्ड अपॉन एक्स, 3 वर्ड अपॉन एक्स यू, तो 3u हो जाएगा, माइनस 4y इक्वल टू 23, ये आपका हो गया इक्वेशन 2, ठीक। चलिए अब देखिए, हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं, तो सॉल्व करने के लिए आपको ये जो u है या फिर y है, इस दोनों इक्वेशन का जो y है या फिर u, मैं u लेकर चलता हूं, ये दोनों u का जो कोफिशियंट है वो सेम होना चाहिए, ठीक है ना, कोफिशियंट सेम है तभी जाके कटेगा। अगर मैं इसमें इस वाले इक्वेशन में, ठीक है ना, 3 का मल्टीप्लाई कर दू और इस वाले इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर दू, अच्छा समझिएगा, तो ये 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, तो हमारा यू यू का कोफिशिएंट सेम हो गया, ठीक है ना। तो ये दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, 3 का इसमें और 4 का इसमें, आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 3 इक्वेशन 1 और 4 इक्वेशन 2, मतलब 4 का मल्टीप्लाई हम इक्वेशन 2 में कर रहे हैं और 3 का मल्टीप्लाई 1 में, ठीक है ना। अब अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, ठीक है ना, आपको भाई आपस आपको दिखा रहा हूं, ठीक है ना, कैसे करना है, ठीक। 3 का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे इसमें तो यहाँ पास हो जाएगा 12u प्लस 9y इक्वल टू 43 या 42, या क्या है, इक्वेशन 1 है जिसमें आपने किसका मल्टीप्लाई किया है, 3 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इक्वेशन 2। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 12 यू माइनस 16y, देख रहे हो 16 को मैं 14 लिख रहा हूं 14 नहीं लिख रहा है, 16 लिख रहा है, ठीक है, तो 16y माइनस यहां पास था इसलिए माइनस लिख दे, इक्वल टू 23 में जब 4 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, 4 तिहाई 12 2 हासिल है, 4 92 आया, ठीक है।
अब सिंपल से माइनस कर दे रही है, सब्सट्रैक्ट कर रहे तो साइज तो चेंज हो जाएगा इतना तो आपको पता ही है ठीक है। तो 12u माइनस 12u बापला खत्म, प्लस 9y प्लस 16y हो जाएगा 25y इक्वल टू यहां पास हो गया 42 माइनस 92 माइनस लग जाएगा, 92 बड़ा है और 92 बड़ा है इसलिए उसका जो साइड है माइनस वो तो आएगा ही आएगा ठीक है। क्योंकि आप 42 में 92 को माइनस कर रहे हैं ना कि 92 में 42 कर। अब माइनस 25 हो जाएगा क्योंकि जब एक मिनट 25 होगा नहीं 25 तो नहीं होगा, मेरे को लगा y का वैल्यू 1 आएगा ठीक है, लेकिन y का वैल्यू 2 आएगा ठीक। कैसे जब माइनस करेंगे तो 50 आएगा ठीक। अब ये माइनस इधर माइनस सही रहे, अगर इधर माइनस होता माइनस माइनस खत्म हो जाता तो माइनस में ही इसका आंसर आएगा। तो y इक्वल टू जब इस 25 को इधर साइड शिफ्ट करेंगे तो 50 अपॉन में 25 होगा, हम ये जानते हैं 50 अपॉन में 25 जो होता है वो 2 होता है, साइड हमेशा जो साइड है वही उतर जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। मतलब y इक्वल टू क्या आ गया माइनस 2 आ गया ठीक। इसमें हमने y की जगह पे कुछ नहीं लिया था, y को एज इट इज उतारते गए हम ठीक है ना, हमने x को छेड़छाड़ किया है ठीक है ना। तो पहले u का वैल्यू निकालेंगे ठीक है ना, तब जाके x का वैल्यू को मिलेगा ठीक है ना। तो u का वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है, y का वैल्यू आप कोई समझिए कि क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, दोनों क्वेश्चन में कोई समझिए पुटी y इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन y ठीक है ना, इक्वेशन वन यही जो है तो हो जाएगा 4 4 u u का ये वैल्यू निकालना है आपको ठीक है ना। इसको आप ले लीजिएगा इक्वेशन a ठीक है ना, वर्ड ऑफ वर्ड में x इक्वल टू यू जो है आपका इक्वेशन a है ठीक है ना। प्लस 3 इंटू 3y है तो इंटू के फॉर्म में माइनस 2 इक्वल टू 14 फोर यू माइनस 6 इक्वल टू 14 फोर यू इक्वल टू 14 प्लस 6 यू इक्वल टू 20 अपॉन में 5 तो यू जो आएगा आपका वो आएगा 20 अपॉन में 5 थोड़ी आएगा, 20 अपॉन में 4 आएगा, इधर 4 है यू आएगा आपका 5 ठीक। हमको चाहिए क्या x का वैल्यू ठीक है ना, क्योंकि x और y के फॉर्म में ये दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन है, तो y का वैल्यू माइनस 2 आ गया, x का वैल्यू लाना है तो हम क्या करेंगे u का वैल्यू इक्वेशन a में पुट कर देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा ठीक। पुटिंग u इक्वल टू 5 इन इक्वेशन a, इक्वेशन a क्या है हमारा 1 अपॉन में x इक्वल टू u ठीक, यही जो है वर्ड अपॉन में एक्स इक्वल टू 5 ठीक है ना। और एक्स का वैल्यू केवल चाहिए ना कि वन अपॉन में एक्स, तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 अपॉन में 5, एक्स का वैल्यू आपको मिल गया 1 अपॉन में 5 और यही आपका आंसर हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 1 अपॉन में 5, वाई का वैल्यू माइनस 2 ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, देख लीजिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, एक मिनट तो चेक कर लेता हूँ कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा, या ना कि क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं यहाँ पढ़ा दिया भी हूँ और कैमरा ऑन करने भूल गया चल रहा है कोई दिक्कत नहीं ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आप, कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ठीक है। वाई का वैल्यू माइनस 2 और एक्स का वैल्यू 1 अपॉन 5 ठीक है, यहाँ पास अगर 1 अपॉन एक्स का वैल्यू अगर हमको बताना होता ना तो 5 हो जाता, लेकिन केवल x का वैल्यू बताना ठीक है ना, ये जो इक्वेशन में x और y जो वेरिएबल है इसके वैल्यू हमको बताना ठीक। इसको सॉल्व करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं लेट कर लेते हैं, लेट जो x माइनस 1 है इक्वल टू u, अब x का वैल्यू u पुट करेंगे ना तो बार बार हमको दिक्कत ये होगा कि u माइनस 1 फिर यहां पास v पुट करेंगे तो माइनस, ये हम नीचे वाला का झमेला ही खत्म कर देते हैं, सीधे x माइनस 1 के जगह पे हम u पुट कर दे रहे हैं। इसको आप इक्वेशन ए ले लीजिए और
y माइनस वन की जगह पे v, ये आपका हो गया इक्वेशन b, है ना, ये जो है आपका इक्वेशन a है, ठीक, और ये जो है आपका इक्वेशन b है, ठीक है ना। अगर b नहीं दिख रहा होगा तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, y माइनस वन इक्वल टू v, इक्वेशन b है, b, ठीक है ना, b होगा, दिख रहा होगा बोर्ड, एक बार मैं चेक ही कर लेता हूं, नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, अब दिख जाएगा, ठीक है ना, बी है, ठीक दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत भी दिखा होगा तो आप बी समझ जाइए, ठीक है ना, ये क्या है, बी है, बी। अब देखिए, हमने देखिए वाई का वैल्यू मैं ले सकता था, ठीक है ना, बी केवल बी, और एक्स का देखिए क्या होता है, यहां पास यू माइनस वन करो फिर एलसीएम लो, दिक्कत होता है, ठीक है ना, बार बार दिमाग टेंशन में आ जाएगा, इसलिए हम झमेला ही खत्म कर दे रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, अब देखिए बहुत ही आसान चीज, फाइव है उसके अपॉन में क्या है, एक्स माइनस वन है, ठीक है ना, अब क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो फाइव अपॉन में एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन का यहां पर क्या लिखना है, यू लिखना है, ठीक, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, प्लस बी है वर्ड अपॉन में वाई माइनस टू है, ठीक, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वाई माइनस टू है यहां पर ना, मैं वाई माइनस वाई लिख, वाई माइनस टू है तो वाई माइनस टू का जब क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, इक्वल टू टू, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब इसको लेते हैं, ये क्या है आपका सिक्स, एक मिनट, यही पास हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम लेके नहीं, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो यही पास हम क्या कर लेते हैं, कोई यू या फिर वी का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना, यू या फिर वी का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ठीक, तो क्या आ जाएगा यू का वैल्यू अगर निकाला जाए तो फाइव अपॉन में वी यू इक्वल टू टू माइनस वन अपॉन में वी, ठीक, यहां पास हो जाएगा फाइव अपॉन में यू इक्वल टू टू वी माइनस वन अपॉन में वी, ठीक ठीक। अब इसको थोड़ा रेसिप्रोकल करते हैं तो यू इक्वल टू u अपॉन में फाइव इक्वल टू बी अपॉन में टू वी माइनस वन, ठीक, अब v का वैल्यू चाहिए आपको तो फाइव उधर भेज देते हैं तो u इक्वल टू हो जाएगा फाइव वी अपॉन में टू वी माइनस वन, ठीक है, ठीक, इसको ले लेते हैं इक्वेशन वन, ठीक, बहुत ज्यादा समझिएगा, इसको हमने इस प्रकार से सिंप्लीफाई किया, ठीक है ना, कि सबसे पहले इसको u और v के फॉर्म में लिखा है ना, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते 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 हमने बस केवल u का वैल्यू निकाल दिया, ठीक है ना, u का वैल्यू निकाल दिया, ठीक है ना, यहाँ पास 2v इसलिए आया क्योंकि v का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 2v माइनस वन, और एलसीएम लिया है v तो v आया, ठीक, देख लीजिए। अब क्या करेंगे, अब इसको देखेंगे इस वाले को, ठीक है ना, इक्वेशन ये जो ये है इसको भी सबसे पहले इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना, ये फोर्थ नंबर का सोल्यूशन है ना तो इसलिए इक्वेशन वन लिखा हो, ठीक है ना, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, इसमें का इक्वेशन वन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक, यहां पास सिक्स अपॉन में एक्स माइनस वन के जगह पे यू लिख सकते हैं यू, ठीक, प्लस प्लस नहीं माइनस माइनस थ्री अपॉन में वाई माइनस टू, वाई माइनस टू है तो वाई माइनस टू की जगह बी लिखना है इक्वल टू वन, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, मतलब थोड़ा और सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक, ये मैं इसलिए लाइन खींच रहा हूँ क्योंकि उधर अभी सॉल्व करना है ना, इसलिए सिंपल करते हैं,
तो यहाँ पास आ जाएगा 6 अपॉन में u इक्वल टू 1 प्लस 3 अपॉन में v, ठीक। अब ये हो जाएगा 6 अपॉन में v। इस वाले स्टेप के बाद यहां पास होगा 6 अपॉन में u इक्वल टू यहां पास हो जाएगा v प्लस 3 अपॉन में v। यहाँ पास 1 अपॉन में 1 लिख के एलसीएम ले सकते हैं, 1 और v के एलसीएम v आएगा, v का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो v आएगा और 3 हो गया, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, रेसिप्रोकल कर देना, तो u अपॉन में 6 v अपॉन में v प्लस 3, ठीक। अब यहाँ पास केवल u का वैल्यू निकालते हैं तो u का टू 6 v अपॉन में वी प्लस 3, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 2 है। अब देखिए हम ये पढ़े हैं क्लास 9th या 8th या 7th कि जब भी दो इक्वेशन का LHS, दोनों इक्वेशन का LHS इक्वल होता है तो उसका जो RHS होता है ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है, या फिर उन दोनों इक्वेशन का RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल हम कर सकते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं दोनों इक्वेशन का, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू का जो LHS है वो इक्वल है, ठीक है ना, तो RHS भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इक्वेशन सिंस आप लिख सकते हैं LHS ऑफ इक्वेशन वन एंड टू आर इक्वल देन RHS also equal, also equal। अब अपने हिसाब से लिख लीजिए, मेरा कहने का मतलब यह है कि LHS equal है तो RHS भी equal होगा, ठीक है, दोनों equation को ठीक। RHS RHS equal करते हैं तो यहां पास है 5 v upon 2 v by the square equal to यह 6 v upon v plus 3, ठीक। सॉल्व करते हैं, इस वाले v का मल्टीप्लाई इधर होगा और इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, ठीक है। तो यहां पास हो जाएगा 5v मल्टीप्लाई करते v प्लस 3 इक्वल टू 6v 2v माइनस 1, ठीक है। माइनस 1 ये आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखा देता हूं, दिख रहा है, दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है आपको, चलिए पूरा दिख रहा होगा, ठीक है। 5b 13 मल्टीप्लाई हुआ इसमें और 6b का मल्टीप्लाई उसमें हुआ, ठीक। फाइव बी है, ठीक है, तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 5b का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब 5v का मल्टीप्लाई 3 भी करते हैं तो प्लस 15v हो जाएगा, प्लस 15v हो जाएगा, ठीक है, ठीक। 5 3 15 यहाँ पास हो जाएगा 12v स्क्वायर माइनस माइनस 6v, ठीक। अब देखते हैं, अब v वाले को एक साथ करते हैं और v स्क्वायर को एक साथ करते हैं, ठीक है, ठीक। या फिर इसमें से v कॉमन ले लेते हैं, इसमें से v कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इसमें से अगर हम v कॉमन ले लें, ठीक, तो यहां पास क्या बचेगा, 5v यहां बचेगा 15, इसमें से v कॉमन ले ले इक्वल टू ये आपका बचेगा 12v माइनस 6, v भी खत्म, ठीक। अब सॉल्व करते हैं, 5v इधर आएगा, ये जो 12v है तो माइनस 12v हो जाएगा, ये 15 को उधर साइड रहते हैं तो माइनस 6 माइनस 15
ठीक है ना, थोड़ा इसको मिटा देते हैं, इस वाले चीज का स्क्रीनशॉट ले लिया तो ले लीजिएगा, या फिर इसी वाले को मिटा देता हूँ, ठीक है ना। इसका तो स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे और सॉल्व भी कर चुके, ठीक। यहाँ पास क्या आ रहा है, 5V - 12V = - 6 - 15 है, ठीक है। यही है, इसको सॉल्व करेंगे तो -7V आएगा, -7V = -21 माइनस माइनस करता हूँ, बी इक्वल टू आएगा 21 अपॉन में 7, बी इक्वल टू आ गया आपका 3, बी आपका आ गया 3। अब हमको चाहिए क्या, यू, ठीक है ना। अच्छे से समझिएगा, बहुत ही थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिमाग हिला के रख दिया है, ठीक है ना। यहाँ पास वाला जो चीज है एक एक स्टेप से कीजिए, ठीक है ना, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे जैसे मैं ऐसे ऐसे करते गया हूँ, क्योंकि मेरे को भी डर था कहीं साइन इधर उधर ना हो जाए, ठीक है। अब v का वैल्यू आप तो इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, आप तो इक्वेशन 2 में u का वैल्यू निकल जाएगा, तो मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ ना, लेकिन वैल्यू ऑफ v इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो u का वैल्यू क्या है, u इक्वल टू 5 × 3 अपॉन में 2 × 3 - 1। सॉल्व करते हैं तो u इक्वल टू आ जाएगा 15 अपॉन में 6 - 1। तो यहाँ पास आएगा अगले स्टेप पे, इसी चीज को यहाँ पास कर रहा हूँ ना, अगला स्टेप है u इक्वल टू आएगा 15 अपॉन में 5 = 3, ठीक। यू आपका आ गया 3, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या, एक्स और वाई का वैल्यू, ठीक है ना, एक्स और वाई का वैल्यू। तो हमने इक्वेशन ए और इक्वेशन बी में क्या ना देखे होंगे, एक्स माइनस 1 के जवाब पे क्या लिखा था, यू लिखा था, ठीक है ना, यू लिखा था, ठीक। अगर हम यू का वैल्यू इस इक्वेशन ए में पुट कर दें, एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। अगर हम v का वैल्यू इस इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो y का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। हम यही करेंगे, u का वैल्यू इक्वेशन a में पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पास u से कंपेयर किया गया है, और v का वैल्यू इक्वेशन b में पुट करेंगे, ठीक है ना। पुटिंग वैल्यू ऑफ u इक्वल टू 3 इन इक्वेशन a एंड v इक्वल टू, दोनों का 3 3 ही आ गया है, का 3 इन इक्वेशन इक्वेशन बी, ठीक है। इक्वेशन ए क्या है, सबसे पहले इक्वेशन ए को देखते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू यू, यह आपका क्या है, इक्वेशन ए है। x माइनस 1 इक्वल टू यू के जगह पे क्या ले रहा है, 3 ले जाएगा, ठीक। x इक्वल टू आ जाएगा आपका 3 + 1, एक्स इक्वल टू आ गया 4। आंसर इक्वेशन बी को देखते हैं, वो है वाई माइनस 2 इक्वल टू बी, इक्वेशन बी है आपका, वाई माइनस 2 इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 3 + 2, वाई इक्वल टू आ जाएगा आपका 5। ये आपका आंसर हो गया, चलो एक्स का वैल्यू 4 और वाई का वैल्यू 5 आ गया, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को समझने के लिए यहां से जो स्टेप है ना, आपको बारीकी तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे मैं किया हूं मैं ही जानता हूं, क्योंकि ये मैं डायरेक्ट, मैं इसका एक भी बार मैं प्रैक्टिस भी नहीं किया था इस क्वेश्चन का, मैं आया डायरेक्ट वीडियो लगाने, ठीक है ना। तो अच्छा हुआ कि आंसर सही आया है, x = 4
इक्वल टू फाइव, ठीक है। अगर कहीं मिस्टेक भी हुआ होगा ना कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं चेक भी करूंगा कहीं गलत तो नहीं है ना, गलत होगा तो फिर से बनाएंगे और नहीं होगा तो देखेंगे। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ले लिए होंगे। यहाँ पास जो फंडा है एक बात मैं समझा देता हूँ, जो 5b है, 5b है ठीक है ना, उसका मल्टीप्लाई v प्लस 3 में किए हैं, क्योंकि जो v प्लस 3 है मल्टीप्लाई इधर हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है ना, क्या हुआ है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना, 6b का मल्टीप्लाई 2b माइनस 1, ठीक है ना, उसके बाद 5b का मल्टीप्लाई किया तो v इंटू वी स्क्वायर हो गया, 15 भी हो गया, उसके बाद बी कॉमन लेके मैं काट दिया हूँ यहाँ पास, ठीक है ना, उसके बाद सिंपल से इक्वेशन हुआ उसको सॉल्व कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं अगले पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 5th और 6th को सॉल्व करने के लिए, वो रहेगा पार्ट 3। सभी पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर समझ में आया होगा तो। मिलते हैं अगले वीडियो में।